गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे जिन्हें आपको सॉल्व करके दिखाना था। कुछ बच्चों ने सॉल्व करके दिखाए भी हैं और उनके आंसर्स भी सही हैं, और जिनके आंसर्स नहीं आ पाया, जो नहीं सॉल्व कर पाए, उनके लिए उन्हें सॉल्यूशंस जो हैं भेज दिए गए हैं। इसके अलावा दो क्वेश्चंस, एक है कैलकुलेट ए टू एच, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको बुक में मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए आपका जो प्रेशर है पास्कल में दिया है और उस प्रेशर को आपको एटीएम और एमएम यानी कि मिलीमीटर इसमें जो है चेंज करना है, मतलब इंटर कन्वर्जन है एक तरह से, आप देख रहे हैं जिसमें जहाँ पर गैप फिलिंग्स आपको करनी है, तो कुछ बच्चे ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। करना इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर अगर आपका प्रेशर, आपका जो दाब है वो अगर पास्कल में दिया है तो उसे आपको चेंज करना है एटीएम में यानी कि वायुमंडलीय दाब में, और फिर इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, उसे चेंज करना है एमएमएचजी यानी कि पारे का जो दाब होता है उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस न्यूमेरिकल को बहुत ईजिली कर सकते हैं। मैं आपको एक लाइन सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी जो है वो आप खुद से क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे उसकी हेल्प से। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रेशर 0.50 पास्कल, इसे आपको चेंज करना है एटीएम में और फिर इसके बाद इसे ही आपको चेंज करना है एमएमएचजी में। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया। एग्जांपल वन का फर्स्ट पॉइंट आपका प्रेशर दिया था 0.50 पास्कल, इसे आपको चेंज करना था एटीएम में एंड एमएम में। तो देखिए हमारा रिलेशन क्या होता है, 1 एटीएम एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 101325 पास्कल, 101325 पास्कल के बराबर एक वायुमंडलीय दाब होता है। तो एक पास्कल किसके बराबर हो जाएगा, 1/101325 एटीएम, यानी कि अगर आपका दाब पास्कल में दिया है और आपको उसे एटीएम यानी वायुमंडलीय दाब में परिवर्तित करना है तो आप अपने दाब को 101325 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये नंबर अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो आप सिर्फ 1013 से डिवाइड करके देख सकते हैं, तो जो आंसर आएगा तो आपका जो प्रेशर होगा वो पास्कल से एटीएम यानी कि पास्कल से वायुमंडलीय दाब में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था 0.50 पास्कल, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा 1 पास्कल इज इक्वल टू 1/101325 एटीएम, यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1/101325 वायुमंडलीय दाब। तो 0.50 पास्कल किसके बराबर हो जाएगा, 0.50 पास्कल हो जाएगा 0.50/101325 एटीएम, और इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0049 वायुमंडलीय दाब यानी कि 0.0049 एटीएम। तो यहाँ पर हमने एटीएम के नीचे क्या लिख दिया, 0.0049। अब इसे हमें किस में चेंज करना है, एमएमएचजी में, तो उसका रिलेशन क्या होता है, देखिए एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 एमएमएचजी, यानी कि 1 एटीएम प्रेशर इज इक्वल टू होता है 760 एमएम, या फिर 1 एमएमएचजी एक एमएम मरकरी पारे का जो दाब होगा वो 1/760 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मतलब अगर आपको वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम पता है, मतलब कि आपको आपका दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के मात्रक में पता है, एटीएम की यूनिट में पता है, और उससे आपको एमएमएचजी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर देंगे, 760 से इंटू कर देंगे। और अगर आपको आपका दाब जो है एमएम में पता है, एमएमएचजी में पता है, और आपको उसे एटीएम में कन्वर्ट करना है, वायुमंडलीय दाब में परिवर्तित करना है, तो आप अपने दाब को 760 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्योंकि क्या पता है, देखिए हमें पास्कल पता था, पास्कल की हेल्प से हमने एटीएम वायुमंडलीय दाब याद कर लिया, अब इस वायुमंडलीय दाब की सहायता से क्या कर लेंगे, एमएम जो है एमएमएचजी पता कर लेंगे। तो देखिए एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 एमएम, तो हमारे पास कितने हैं, 0.0049 एटीएम, ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.0049 इंटू 760 एमएमएचजी, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.728 समथिंग। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 3.8 एमएमएचजी।
तो ये आपका जो है कन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी टेबल पूरी हो जाएगी, एमएम के नीचे हम क्या लिख देंगे 3.8। तो ये आपका ए और ये आपका बी जो था वो आपका मैंने टेबल में फिल कर दिया है। बाकी की टेबल जो है आप सॉल्व करके उसे फिल कर लेंगे और जब नोट्स बनाएंगे तो इन न्यूमेरिकल्स को कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा जो न्यूमेरिकल है जिसमें प्रॉब्लम आई थी वो था एट विच टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फेरेनहाइट स्केल्स आर सेम। वैसे तो ये 7th-8th क्लास का क्वेश्चन है, मैंने 7th और 8th क्लास में करवाया हुआ है, फिर भी अगर कोई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर सेल्सियस स्केल और फेरेनहाइट स्केल जो है वो सेम टेम्परेचर शो करेंगे। आंसर इन्होंने यहाँ बता दिया है -40 degree Fahrenheit या -40 degree Celsius। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे करना क्या है, C/5 = F-32/9 दिया हुआ है। इसके आगे देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा जो न्यूमेरिकल था वो था C/5 = F-32/9। आपको बताया गया ये फॉर्मूला है, तो इसमें हमको बताना है कि किस टेम्परेचर पर जो सेल्सियस स्केल है जो फेरेनहाइट स्केल है दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट C/F/X, माने एक टेम्परेचर है जहाँ पर सेल्सियस और फेरेनहाइट आपस में इक्वल हैं और वो टेम्परेचर क्या है, X है, माना C/F/X। तो अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं C और F, इनकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, X रख सकते हैं। तो हमने यहाँ फॉर्मूले में रख दिया X, तो फॉर्मूला क्या बन गया, X/5 = X-32/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक रेखीय समीकरण जो आपने पढ़ा, 9 × क्या हो जाएगा, X हो जाएगा और 5 × X-32 में हो जाएगा। तो आ जाएगा 9X = 5X-160। 5X को इधर ट्रांसफ़र किया, ये आ गया 9X - 5X = -160। 9X में से 5X, 4X = -160। तो X = -160/4, यानी कि X = -40। तो क्वेश्चन था हमारा किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फेरेनहाइट दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हमने वो टेम्परेचर माना था कि X, मान लेते हैं X टेम्परेचर जो है वो C और F को क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। इस टेम्परेचर पर C और F दोनों इक्वल हैं। जब C और F दोनों बराबर हो जाएंगे तो इन दोनों की जगह हम X रख सकते हैं। तो हमने फॉर्मूले में इन दोनों की जगह X रखा, इक्वेशन को सॉल्व किया, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, -40। तो एक तरह से आंसर क्या हो जाएगा कि C/F/ जो X था वो अब इक्वल हो गया है C/F -40 के। यानी कि -40 को आप चाहें तो -40 degree Celsius भी लिख सकते हैं और -40 degree Fahrenheit भी लिख सकते हैं। और इन दोनों ही टेम्परेचर पर जो आपका सेल्सियस स्केल होगा और जो फेरनहाइट स्केल होगा वो सेम रीडिंग शो करेगा, सेम उसमें टेम्परेचर जो समान ताप जो है वो प्रदर्शित करता है। ये आपका है दूसरा न्यूमेरिकल। तो ये दो आपके न्यूमेरिकल थे, बाकी कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको जो करवाए गए हैं वो आपको आपके कॉपी में नोट कर लेने हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मॉलिकुलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का अणुगति सिद्धांत। क्या कहते हैं सिद्धांत, तो माना जाता है कि अभी तक हमने जितने भी गैसियस लॉ पढ़े, जितने भी आपने गैसीय नियम पढ़े हैं, गैस के लॉस पढ़े, वो सारे के सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे दिए, यानी कि उन्होंने अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करे और उसके बिहाव पर उनको जो रिजल्ट मिला, जो भी फल प्राप्त हुए, उसके बाद उन्होंने वो लॉस दिए। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये ट्राई किया कि जो गैस है उनमें जो लॉस हैं उनको थ्योरेटिकली, यानी कि सैद्धांतिक रूप पर भी लोगों को बताया जाए। और इसके लिए सबसे पहला जो एफर्ट डाला था, सबसे पहला जो प्रयास किया था, वो किया था बर्नौली ने। बर्नौली साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1738 में प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिकुलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का अणुगति सिद्धांत, जिसे बाद में डेवलप किया मैक्सवेल ने। मतलब कि बर्नौली ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं थी, बट मैक्सवेल ने इसे क्या कर दिया, एकदम कम्प्लीट करते हुए आगे के लॉज दिए, एक थ्योरी दी जिसे मॉलिकुलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का अणुगति सिद्धांत कहा गया। मैक्सवेल की ये जो थ्योरी थी इसे तीन कैटेगरीज में बांटा गया, यानी कि तीन मुख्य भागों में बांटा गया। सबसे पहली थ्योरी थी कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि गैस के अणु से संबंधित अवधारणाएँ।
इसमें क्या कहा इन्होंने, कहा ईच गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें अणु कहा जाता है। तो हम सभी को पता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और ये परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ईच गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो गैसें होती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं और उन कणों को मॉलिक्यूल कहा जाता है, क्योंकि आपने जब भी गैस पढ़ी है तो गैस के अणु पढ़े हैं, गैस के परमाणु नहीं। जैसे कि क्लोरीन गैस है तो Cl2 पढ़ा है, ऑक्सीजन गैस है तो O2 पढ़ा है, हीलियम गैस है क्योंकि वो नोबल गैस अक्रिय गैस है इसलिए वो मोनो एटॉमिक होती है, एक परमाणविक होती है, इसलिए आपने HE पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आपने गैस के मॉलिक्यूल्स यानी गैस के अणु पढ़े हुए हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इनका, कि अणु जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर सो स्मॉल दैट देयर एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर आप गैस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम तो होगी नहीं, यानी इकाई आयतन तो आप लेंगे नहीं, ज़्यादा अमाउंट में होगी गैस। तो कह रहे हैं कि गैस में उसका जो एक अणु होता है, गैस का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसका इंडिविजुअल जो वॉल्यूम होगा, उसका खुद का अपना जो भार होगा, जो द्रव्यमान जो आयतन होगा वो पूरी गैस के आयतन के तुलना में नगण्य माना जाता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल का, एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो पूरी गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो ये इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि गैस के अणु से संबंधित अवधारणा है। दूसरा कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिकुलर स्टेट, यानी कि आणविक अवस्था की अवधारणा है। भाई अणुओं के बारे में तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं उनके मॉलिकुलर स्टेट के बारे में। तो कह रहे हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली इन स्टेट ऑफ मोशन एंड मूव इन स्ट्रेट लाइंस विद डिफरेंट बट कॉन्स्टेंट स्पीड रेंडमली इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज ओनली आफ्टर कोलिजन विद ईच अदर और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। बहुत सिंपल बात है, थ्योरेटिकल आपको बहुत लंबी लग रही है लेकिन बात इतनी सिंपल है कि जो गैस के अणु होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, यानी कि गतिशील अवस्था में, सदैव गतिशील अवस्था में रहते हैं। तो ये बात तो हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। लेकिन कह रहे हैं गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं यानी कि सीधी दिशा में, सीधी रेखा में, लेकिन डिफरेंट बट कॉन्स्टेंट स्पीड। ये जो वर्ड बोला गया है इस पर ध्यान दीजिए कि विद डिफरेंट बट कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब कि जो अलग अलग मॉलिक्यूल, जो अलग अलग अणु होंगे, फॉर एग्जांपल ये हम बीकर ले लें, इस बीकर में जो मॉलिक्यूल्स हैं तो इन सब मॉलिक्यूल्स की जो अपनी खुद की इंडिविजुअल जो स्पीड होगी, इनकी खुद की जो गति होगी वो तो अलग अलग होगी, लेकिन वो गति, जैसे हम मान लें ये एक अणु है ए, ये एक अणु है बी, ये एक अणु है सी, तो अगर इसकी जो चाल है मान लो U1 है, इसकी U2 है, इसकी U3 है, तो ये तीनों तो अलग अलग होंगी लेकिन जो ए कण होगा, जो ए अणु होगा वो U1 की चाल से यानी कि U1 स्पीड से ही क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। बी जो है उसकी गति तो अलग है, U2 है, लेकिन वो इसी U2 स्पीड के साथ क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। इसी तरह से जो सी अणु होगा उसकी अगर स्पीड मान लीजिए U3 है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि सबकी अलग अलग हो, लेकिन अगर अलग अलग होती है, कारण भी अभी आपको बता रहे हैं कि क्यों अलग अलग होगी, तो अगर अलग अलग है तो भी वो अपनी निश्चित स्पीड के साथ, निश्चित चाल के साथ क्या करते रहते हैं, गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं। अब बात आती है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये एक ही गैस के मॉलिक्यूल हैं, माना एक ही गैस के अणु हैं, तो फिर इनकी चाल जो है वो अलग अलग क्यों है, स्पीड अलग अलग क्यों है। सिंपल सी बात है, इनकी गति इसलिए अलग अलग होती है क्योंकि जब ये किसी बीकर में या किसी कंटेनर में रखे होंगे या वातावरण में होंगे तो हर मॉलिक्यूल के पास का जो वातावरण है वो एक समान नहीं होगा। कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो ऊपर वाली सरफेस के पास पाए जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो नीचे वाली सरफेस के पास पाए जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो बीच में पाए जाएंगे और बाकी अणुओं से, बाकी मॉलिक्यूलों से घिरे होंगे, कुछ होंगे जो दीवार की सतह, जो वॉल है कंटेनर की, उसके पास पाए जाएंगे तो उससे बार बार टकरा रहे होंगे। तो इस वजह से अलग अलग स्थितियों में होने के कारण, अलग अलग पोजिशंस में होने के कारण ही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इंडिविजुअल स्पीड जो होती है, उनकी खुद की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन
वो अपनी इस कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं रेंडमली इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। रेंडमली का मतलब होता है कि कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है, वो किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। भाई गैस के अणु हैं, वो तो किसी भी दिशा में भागेंगे। इसीलिए जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो सिर्फ ऐसा थोड़ी होता है कि हमने सामने की तरफ स्प्रे किया तो उसकी स्मेल सिर्फ सामने की तरफ जाएगी, उसकी स्मेल पीछे भी जा सकती है, उसकी स्मेल लेफ्ट में भी जा सकती है, राइट में भी जा सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे, कहीं पर भी वो क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। एंड कह रहे हैं उनका डायरेक्शन और मोशन केवल तभी चेंज होता है जब वो किसी चीज़ से जाकर टकराते हैं, चाहे वो किसी दूसरे अणु से टकरा जाए या फिर दीवार, जो आपका बर्तन है, जो वेसल है, उसके दीवार से, उसकी वॉल से टकरा जाए, तो उनका जो मोशन है और जो उनकी स्पीड है, डायरेक्शन है, वो चेंज हो जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मॉलिकुलर स्टेट में दूसरा पॉइंट क्या है कि द मॉलिकुलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। इन अणुओं के बीच होने वाली टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं, मतलब टक्कर होने के बाद ये दोनों अपनी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं करते हैं, मतलब इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो समान रहती है। टकराएंगे, केवल अपनी दिशा बदलेंगे, लेकिन उसी गति से उसी स्पीड से फिर से मूव करने लगेंगे। हाउएवर देयर मे बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन, लेकिन हाँ वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो ऊर्जा है वो एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हो सकता है कि पहला वाला मॉलिक्यूल अपनी थोड़ी सी ऊर्जा दूसरे वाले को दे दे, दूसरे वाले से खुद ऊर्जा ले ले, तो इस तरह से एनर्जी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि ऊर्जा का आदान प्रदान उनके बीच हो सकता है। तीसरा पॉइंट है द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। गैस के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण का कोई भी बल जो होता है वो आरोपित नहीं होता है, यानी कि वो इसको प्रभावित नहीं करता है। एंड फोर्थ पॉइंट, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला जो अंतराणविक बल होता है वो लगभग नगण्य होता है, और ये इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्योंकि नेग्लिजिबल है इसीलिए ये फ्रीली क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। अगर इनके बीच भी इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए और वो नेग्लिजिबल ना रहे तो फिर क्या होगा, ये सॉलिड या लिक्विड की तरह, लिक्विड क्या होता है, बहता है लेकिन कुछ देर बहने के बाद फिर वो रुक जाता है। मैंने बताया भी था, एक ग्लास पानी लीजिए और ज़मीन पर फैला दीजिए तो थोड़ी दूर तक तो गति करेगा, थोड़ी दूर तक तो चलेगा, लेकिन फिर बाद में जाके रुक जाएगा। और सॉलिड वो तो खुद से मोशन करते ही नहीं है, लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा खुद से कहीं पर भी किसी भी तरफ जा सकते हैं, आ सकते हैं, गति कर सकते हैं। इसी वजह से, क्योंकि उनके बीच का जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो अंतराणविक बल होता है, वो नगण्य होता है। फिफ्थ पॉइंट, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। पहले भी बताया जा चुका है कि गैस, जो गैसीय अणु होते हैं, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा उनके परम ताप के समानुपाती होती है, यानी कि उनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। परम ताप क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ये भी आपको बताया गया था कि वह ताप जिस पर कोई भी गैस जो है वो गैसीय अवस्था में बनी रहती है, मतलब वो कम से कम ताप, दैट मिनिमम टेम्परेचर एट विच द गैस एग्जिस्ट इट्स गैसियस स्टेट, मतलब उसका जो स्थायित्व है उसकी गैसीय अवस्था का वो बना रहता है। अगर आपने परम ताप से कम कर दिया, भाई ज़्यादा तो करेंगे तो गैस गैसी रहने वाली, कम कर दिया अगर, तो तुरंत वो उद्रवित हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी और लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया दैट मिनिमम टेम्परेचर, वह कम से कम ताप जिस पर कोई भी गैस जो होती है वो अपनी गैसीय अवस्था में बनी रहती है, उसे परम ताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिकुलर स्टेट यानी कि आणविक अवस्था की अवधारणा है। जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है प्रेशर का कॉन्सेप्ट यानी कि दाब की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर क्या कहता है, ईच गैस एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। हर एक जो गैस होती है यानी कि ईच गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो क्या करती है, जिस भी बर्तन में रखी है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। और ऐसा वो क्यों करती है, क्योंकि जो गैस के जो अणु होते हैं वो जा करके दीवार से, कंटेनर की दीवार से यानी कि बर्तन की दीवार से जाकर
टकराते रहते हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं इस तरह का कोलिजन, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हर अणु जो होता है वो अलग अलग स्थिति में होता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कंटेनर के पास होंगे, जा कर के देखिए यहाँ पर टकरा रहे हैं इस तरह से, है ना। अगर कोई बीच में है तो उसके आसपास क्या होंगे, यहाँ पर अणु उपस्थित होंगे यानी कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट नहीं टकरा पाएगा जाकर, ये किसी एक अणु से टकराएगा, फिर दिशा बदलेगा, फिर जाकर टकराएगा इस तरह से। जबकि जो गैस के अणु वॉल के पास ही होंगे वो इससे लगातार टकराते रहेंगे। अब जो ऊपर होगा वो ऊपर की तरफ निकलने का प्रयास करेगा कि जैसे ही बर्तन का ढक्कन खुले और हम बाहर निकले। जो सबसे नीचे होगा वो नीचे की सतह से भी टकराएगा और आसपास के अणुओं से भी क्या कराएगा, टकराएगा, कोलाइड करेगा। तो इस तरह से जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। और इसी वजह से जितनी भी गैसें होती हैं वे सभी जो जिस भी कंटेनर में रखी हैं, जिस भी बर्तन में रखी हैं, उसके वॉल पर जाकर कोलाइड करती हैं, टकराती हैं और प्रेशर अराइज करती हैं, जिसे गैशियस प्रेशर, गैस का दाब कहा जाता है। ये थी दाब की अवधारणा। तो ये गैस की जो अणुगति के सिद्धांत हैं यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं, इसमें आपको तीन कॉन्सेप्ट बताए गए। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिकुलर स्टेट और तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। यानी कि गैस के अणु से संबंधित अवधारणा है कि गैस का जो गैस होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें गैस के अणु कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कहा जाता है। और ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। दूसरा जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया वो गैस आणविक अवस्था की अवधारणाएं पढ़ाई गई, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिकुलर स्टेट, जिसमें आपको बताया गया कि जो गैस के अणु होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं और भिन्न भिन्न परंतु स्थिर वेग से सभी संभावित दिशाओं में अस्त व्यस्त तरीके से सरल रेखा में गति करते हैं। अस्त व्यस्त तरीका मतलब बताया गया कि किसी भी दिशा में वो गति कर सकते हैं, कोई एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक इंडिविजुअल गैस का जो अणु होगा, मतलब कि एक अणु की बात करें, तो उसकी जो गति है वो हमेशा स्थिर रहेगी, परंतु अलग अलग अणुओं की जो गतियाँ होती हैं वो अलग अलग होंगी। कारण भी आपको बताया गया, क्योंकि अलग अलग जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के अणु होते हैं, जिस भी बर्तन में होते हैं या वायुमंडल में ही क्यों ना उपस्थित हों, उनके आसपास की अवस्थाएँ जो होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। और इन दो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में टकराते भी रहते हैं, भाई गति करेंगे तो टकराएंगे, और इनके बीच का जो टकराव होता है, जो कोलिजन होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है, प्रत्यास्थ होता है। और प्रत्यास्थ होने के कारण इनकी जो औसत गति ऊर्जा है यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। क्या करेंगे, आपस में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को एनर्जी आदान प्रदान तो कर देंगे, लेकिन पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, एवरेज रहेगी, मतलब कि वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। तो ये था हमारा आणविक अवस्था की अवधारणा है। और तीसरा आपने पढ़ा दाब की अवधारणा है, कि प्रत्येक गैस जो होती है वो बर्तन की दीवार पर दाब डालती है, क्योंकि गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। अब कल जो आपको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा उसमें आपको डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, या आप यहाँ पर काइनेटिक गैस इक्वेशन देख रहे हैं, PV इज़ इक्वल टू 1/3 mNu²RMS, इसका आपको डेरिवेशन बताया जाएगा। ओके क्लास, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है या किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।